रुक रुक के ना देख रुक रुक के, रुक रुक के ना देख रुक रुक के, देख बिना ब्रेक, डाउनलोड टक ऐप। महाराष्ट्र की सियासत में मंगलवार के दिन किसका मंगल होगा और किसका अमंगल, देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले से ये तय हो जाएगा। देश की सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी। और करने वाली बात यह है कि अदालत के फैसले से पहले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कानूनी सलाह ली है। राज्यपाल ने शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से विधायकों की सूची जमा करने और सरकार बनाने के दावे पर भी कानूनी सलाहकारों से सलाह मशविरा किया है। सोमवार को इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें शीर्ष अदालत के सामने रखी गईं। सबसे पहले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दोनों चिट्ठियां कोर्ट में रखी। तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में 22 नवंबर को लिखी गई एनसीपी नेता अजित पवार की उस चिट्ठी को भी सौंपा, जिसमें अजित पवार ने बीजेपी को समर्थन देने का दावा राज्यपाल के सामने पेश किया था। तुषार मेहता ने इस चिट्ठी को कोर्ट में पढ़कर सुनाया और बताया कि चिट्ठी में अजित पवार ने दावा किया कि एनसीपी के सभी 54 विधायकों ने उन्हें नेता चुना है, इसलिए वो सरकार बनाने के लिए अधिकृत हैं। इसके अलावा चिट्ठी में लिखा गया था कि बीजेपी ने पहले भी सरकार बनाने के लिए अजित पवार से साथ आने को कहा था, मगर उस वक्त अजित पवार ने एनसीपी विधायकों के अपर्याप्त समर्थन की वजह से इनकार कर दिया था। राज्यपाल की तरफ से तुषार मेहता की दलीलें पूरी होने के बाद महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलीलें पेश करते हुए कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने 170 विधायकों के समर्थन से सरकार का दावा पेश किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया। विधानसभा के नियमों से चलने वाले सदन की प्रक्रिया में कोर्ट दखल नहीं दे सकता। एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर दोनों पक्ष फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं, तो इसे टाला क्यों जा रहा है? क्या यहां एनसीपी के एक भी विधायक ने कहा कि वो बीजेपी में शामिल होंगे? शिवसेना की तरफ से पेश हुए कपिल सिब्बल ने भी कोर्ट से कहा कि फडणवीस सरकार को जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट के जरिए बहुमत साबित करने का आदेश दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब पूरे देश की नजरें अदालत पर टिकी हैं। देखना होगा कि सर्वोच्च अदालत महाराष्ट्र के सियासी घमासान पर क्या फैसला सुनाती है। संजय शर्मा,